स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल क्रिकुलर प्रिडिक्शन में। गाइज आज की वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं इंग्लैंड वर्सेस इंडिया सेकेंड T20I मुकाबला खेला जाएगा। आप लोगों को मालूम है पहला मुकाबला अपनी भारतीय टीम ने इजिली यहां पर वोन कर लिया था। सेकेंड T20I मुकाबला अगर विन कर लेती है तो सीरीज अपने नाम कर लेगी, लेकिन आप लोगों को भी मालूम है गाइज यहाँ पे इंग्लैंड की टीम के सामने आसानी से जीतने नहीं देगी, लेकिन एज अ इंडियन हम लोग तो चाहेंगे अपनी भारतीय टीम जीत कर ये मुकाबला सीरीज भी अपने नाम कर ले। तो क्या कुछ हो सकता है पॉसिबल चेंजेस, और हाँ इंडिया का न्यू स्क्वाड अनाउंस हुआ है गाइस, तो आप लोगों को सब कुछ वीडियो में मालूम चलेगा, तो विदाउट स्किप किए वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा। तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सेकेंड T20I मुकाबला सैटरडे मतलब शनिवार के दिन 7 बजे शाम को अपने भारत टाइम अनुसार ये मुकाबला खेला जाएगा। वेन्यू की बात करते हैं, एजबेस्टन क्रिकेट ग्राउंड बर्मिंघम में ये मुकाबला इंग्लैंड में खेला जाएगा, ठीक है गाइस। और पिच रिपोर्ट मैं आप लोगों को बता देता हूँ। देखिए बैटिंग करने के लिए बहुत ही अच्छी सरफेस है, ठीक है, लेकिन कंडीशन ये है कि बैट्समैन भी थोड़ा अच्छे से खेलना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि गाइस कोई बैटिंग सरफेस हो तो आड़ा तिरछा आप मारोगे तो हर बार आपका चौका छक्का ही जाएगा, आप लोग पकड़े भी जा सकते हो बाउंड्री पे फील्डर के हाथ में। तो अगर आप टेक्निकल अच्छे से खेलते, कोई बैट्समैन अगर टेक्निकल अच्छे से खेलता है तो वो बहुत अच्छा यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। बाकी पेसर जो होते हैं फास्ट बॉलर वहाँ पे वो अच्छा करके दे सकते हैं। हेड टू हेड की बात करते हैं, देखिए टोटल 20 मुकाबले खेले जा चुके हैं। पिछला मुकाबला यहाँ पे इंडिया की टीम ने जीता था, जिसको मिला के 20 मुकाबले हो चुके हैं। इंडिया की टीम ने 11 मुकाबले, वहीं इंग्लैंड की टीम ने भी 9 मुकाबले वोन किया है। बहुत ज़्यादा अंतर है नहीं, आप लोगों को मालूम है कांटे का मुकाबला देखने को मिलेगा, क्योंकि सामने बहुत ही मजबूत टीम इंग्लैंड की टीम है, ठीक है। एक भी मुकाबला टाई नहीं हुआ और एक भी मुकाबले का रिजल्ट नहीं आया, मतलब सारे मुकाबले खेले गए हैं। T20 का कुछ हम लोग रिकॉर्ड देखते हैं इस ग्राउंड पे एजबेस्टन में, तो टोटल 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं। हुआ क्या है, देखिए बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने ही 5 मुकाबले जीत लिए हैं, यहाँ पे एक भी खाता ही नहीं खुला है सेकेंड बैटिंग करने वाले का, मतलब जो बैटिंग फर्स्ट करती है टीम वहाँ पे इसको ज़्यादा एडवांटेज मिलेगा। चेज करना थोड़ा सा गलत फैसला हो सकता है इन कंपेयर ऑफ बैटिंग फर्स्ट, ठीक है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर की बात करते हैं तो 170 है, वही गाइज हाइएस्ट स्कोर की यहाँ पे बात करते हैं तो 221 रन, जो कि इंग्लैंड ने 5 विकेट खोकर बनाया था। लोएस्ट स्कोर भी इंग्लैंड का ही है, 118 रन बनाकर यहाँ पे 5 विकेट इन्होंने खो दिया था, ठीक है। यहाँ से बात करते हैं, अब हम लोग स्कोरिंग पैटर्न पर नजर डालते हैं कि इस ग्राउंड में क्या स्कोरिंग पैटर्न होता है। तो देखिए पहले 150 से कम एक बार स्कोर बना है, 150 से 170 के बीच में दो बार स्कोर बना है, 170 से 190 के बीच में भी एक बार स्कोर बना है, और 190 से ज़्यादा भी एक बार स्कोर बना है। तो 5 टोटल मुकाबले खेले गए हैं, तो ज़्यादा कुछ देखिए यहाँ से ग्राउंड से अभी इंटरनेशनली निकल के नहीं आ रहा है। तो अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा डोमेस्टिक का रिकॉर्ड चेक कर लेते हैं। तो डोमेस्टिक में यहाँ पे क्या हुआ है, देखिए डोमेस्टिक में टोटल 82 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें से बैटिंग फर्स्ट करने वाले का गाइज यहाँ पे भी थोड़ा सा पड़ रहा भारी है इन कंपेयर ऑफ बैटिंग सेकेंड। 45 मुकाबले बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ने जीता है, वहीं मात्र 36 ही मुकाबले बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने जीता है, और एक मुकाबला यहाँ पे गाइस टाई हुआ है। एवरेज फर्स्ट इनिंग स्कोर 162 यहाँ पर है डोमेस्टिकली, ये मैं आप लोगों का रिकॉर्ड रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट स्कोर जो है वार्कशायर 242 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाई थी। यहाँ पे आप लोगों को मालूम है गाइस जैसे अपने इंडिया में इंडियन प्रीमियर लीग IPL होता है, वहीं इंग्लैंड में वेटिलिटी T20 ब्लास्ट होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश T20 ब्लास्ट कहते हैं, तो वो इसी मैच का यहाँ पे मैं रिकॉर्ड आप लोगों के सामने डाटा रख रहा हूँ, ठीक है। और लोवेस्ट भी गाइस इसी टीम का है, वार्कशायर का 63 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी। यहां पे डोमेस्टिकली अगर हम लोग यहां पे स्कोरिंग पैटर्न पे नजर डालें तो 150 से कम 24 बार स्कोर बनाए गाइस, 150 से 170 के बीच में 30 बार स्कोर बनाए, मतलब 150 से ज्यादा, मतलब 150 से 170 के बीच में स्कोर बनाए, 170 से 190 के बीच में 11 बार स्कोर बनाए, और 190 से ज्यादा 17 बार स्कोर बनाया। तो एज पर यहां पे स्कोरिंग पैटर्न के हिसाब से यहाँ पे आप लोग एवरेज स्कोर 150 से 170 मान सकते हो, लेकिन मालूम है जैसे कि पिछला मुकाबला भी लगभग यहाँ पे हाई स्कोरिंग खेला गया था, तो यहाँ पे से मेरे ख्याल से गाइज आप लोग 180 तक यहाँ पे एवरेज स्कोर मान के चल सकते हो, ठीक है। हाँ उससे पहले मैं आप लोगों को बता दूँ, अगर आप लोग फर्स्ट टाइम मेरी यूट्यूब की वीडियो देख रहे हो, मेरी वॉइस फर्स्ट टाइम सुन रहे हो, तो आप लोगों को हैरान होने की कोई ज़रूरत है नहीं गाइज, आप लोग देखिए मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। किस तरह से करना है वीडियो के डिस्क्रिप्शन स्किप मत कीजिए, बात सुन लीजिए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक मिलेगा मेरे टेलीग्राम का, आप लिंक के थ्रू ज्वाइन कर सकते हो। बाय द वे दोस्तों किसी रीजन से लिंक वर्क ना करे तो आप लोगों को ज्यादा कोई चिंता करना नहीं है, क्रिक 2580 टेलीग्राम में जो सर्च का आइकन आता है आप लोग सर्च बार पे यहां पे जाके सर्च कर लेना क्रिक 2580, आप लोगों को मेरा टेलीग्राम का चैनल मिल जाएगा।
तो दोस्तों आप लोग देख सकते हो, यही मेरे टेलीग्राम का चैनल है गाइस। आप लोग प्लीज सब्सक्राइबर मत देखो, मैं अपनी हर वीडियो में कहता हूँ। जब ठंडी में बिग बैस लीग चल रही थी तो स्ट्राइक आ गई थी, 95% गाइस यूट्यूबर जो कि फैंटेसी यूट्यूबर, उनका टेलीग्राम का चैनल डिलीट कर दिया गया था, जिसमें से एक मैं भी हूँ। प्लस मैंने IPL भी कवर नहीं किया था, तो इस वजह से आप लोगों को हो सकता है यहाँ पर सब्सक्राइबर कम दिख रहा हूँ। पर सब्सक्राइबर से गाइस कोई मतलब नहीं बनता है, आप लोग खुद एक बार ज्वाइन करो। आप लोग मेरी टीम से खेलना अच्छा लगे तो आगे कंटिन्यू करना, वरना आप लोग स्किप करके जा सकते हो। तो आप लोगों को जुड़ने के लिए मैंने ऑलरेडी बता दिया कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक होगा। बाय द वे, किसी रीजन से लिंक वर्क ना करे तो Cricket2580 आप लोग लिखकर सर्च कर लेना। मुझे मालूम है गाइस आप लोग सिर्फ सब्सक्राइबर देखकर मतलब खेलते हो, जैसे कि फैज हो गया, क्रिकेट फैंटेसी FCG फैंटेसी क्रिकेट गुरु अनुराग हो गया। मैं जानता हूं, मैं मतलब किसी को बदनाम नहीं कर रहा हूं, बस मैं बता रहा हूं कि अगर आप लोग उनकी टीम से खेलते हो ना, तो अगर 10 में से 6 मुकाबले जीतोगे तो 10 में से 8 मुकाबले आप मेरी टीम से जीतोगे। मैं अपने टीम का और उनके टीम का भी पॉइंट कंपेयर करता हूं, मेरी टीम का उनसे 8 टाइम ज़्यादा पॉइंट हाई आता है, ठीक है गाइस। बाकी आपकी मर्जी, आप लोग यहाँ पर अगर जुड़ना चाहो तो अच्छी बात है, नहीं जुड़ना चाहो तो कोई ज़ोर ज़बरदस्ती तो है नहीं दोस्तों, ठीक है। बाकी मेरे इन्फॉर्मेशन से आप लोगों को मेरी टीम का अंदाज़ा भी हो सकता है गाइस। हाँ, यहाँ पे अब चलिए हम लोग वीडियो में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं यहाँ पे कुछ रिसेंट के मुकाबले जो कि इंटरनेशनल मुकाबले खेले गए थे। तो हुआ क्या था उसमें, तो सबसे पहले एक मुकाबला खेला गया था 27 जून 2018 को, जो कि हुआ था इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। इसमें यह हुआ था कि इंग्लैंड की टीम 221 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाई थी, वही ऑस्ट्रेलिया की टीम 193 रन बनाकर ऑल आउट हो गई थी, चेज नहीं कर पाई थी। मतलब कि इंग्लैंड की टीम 28 रनों से यह मुकाबला जीत गई थी, ठीक है। फिर एक मुकाबला हुआ था, इस मुकाबले को लगभग 6 साल बीत चुके हैं, ठीक है गाइस। चलिए कोई नहीं, मैं आप लोगों के सामने डाटा रखता हूँ, आप लोग थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा। 7 सितंबर 2014 को एक मुकाबला खेला गया था इंग्लैंड और इंडिया टीम के, अपने ही भारत टीम के बीच में। इसमें हुआ क्या था, जिसमें दोस्तों इंग्लैंड की टीम 180 रन 7 विकेट के नुकसान पर बनाई थी, वही अपनी भारत की टीम इसको चेज नहीं कर पाई थी और महज 3 रन से यह मुकाबला इंग्लैंड की टीम ने जीत लिया था। एक और मुकाबला 2012 में खेला गया था गाइस, इस मुकाबले को आप लोग देख सकते हो, 8 साल से भी ज़्यादा का वक्त हो चुका है लगभग। इंग्लैंड और साउथ अफ्रीका के बीच में मुकाबला खेला गया था, इंग्लैंड की टीम 118 रन 5 विकेट के नुकसान पर बनाई थी, साउथ अफ्रीका की टीम इसको चेज नहीं कर पाई थी, 90 रन ही मात्र बना पाई थी, 5 विकेट अपने खो दी थी। 28 रनों से यह मुकाबला यहाँ पर इंग्लैंड की टीम जीत गई थी। अब इससे पहले देखिए 12 साल पहले एक और मुकाबला हुआ था पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। हुआ क्या था, 162 रन यहां पे 9 विकेट के नुकसान पे पाकिस्तान की टीम बनाई थी, वहीं ऑस्ट्रेलिया की टीम इसको चेज नहीं कर पाई थी। तो आप हर बार देख सकते हो गाइस, यहां पे बैटिंग फर्स्ट करने वाली टीम ही मुकाबला जीत रही है, आप लोग यहां पे देख सकते हो। और जिसमें हर बार अगर इंग्लैंड का अगर कोई मुकाबला हुआ है तो इंग्लैंड की टीम बाजी मार रही है। तो आप देख सकते हो मतलब कितना शानदार यहां पे इंग्लैंड का अपने होम ग्राउंड पे रिकॉर्ड है। अब मैं आप लोगों के सामने कुछ डोमेस्टिक का जो T20 मुकाबले खेले जाते हैं उसका रिकॉर्ड यहां पे आप लोगों के सामने रखने वाला हूं। देखो गाइस यहां पे हुआ क्या था, 24 जून 2022 को डोमेस्टिकली वॉर्कशायर और वर्स्टरशायर के बीच में एक मुकाबला हुआ था, जिसमें वॉर्कशायर की टीम पहले बैटिंग करते हुए 228 रन 8 विकेट के नुकसान पर बनाई थी, वही गाइस चेज नहीं कर पाई थी, मात्र 84 रन बना के वर्स्टरशायर की टीम यहां पे ऑल आउट हो गई थी। 144 रनों का गाइस यहां पे अंतर से मुकाबला जीत गई थी। 144 रन अभी T20 क्रिकेट में बनते हैं तो इसको एवरेज स्कोर माना जाता है, लेकिन यहाँ पर विनिंग देख सकते हो 144 रनों से हुई है। तो आप लोग यहाँ पर बैटिंग फर्स्ट का देख सकते हो कितना एडवांटेज है। यहां पे गाइस बैटिंग सेकंड करने वाली टीम ने चेज कर गई थी, वॉर्कशायर और डर्बीशायर के बीच में यह मुकाबला खेला गया था। 159 रन 7 विकेट के नुकसान पे वॉर्कशायर ने बनाया था, डर्बीशायर ने 160 रन यहां पे बना लिया था, अपने 7 विकेट अभी हाथ में थे तो यह मुकाबला जीत गई थी। एक और मुकाबला यहां पे 10 जून 2022 को हुआ था वॉर्कशायर और यॉर्कशायर के बीच में, जिसमें से 10 विकेट से यॉर्कशायर ने यह मुकाबला जीत लिया था। वॉर्कशायर की टीम मात्र 101 ही रन बना पाई थी, जिसको यहां पे इजीली चेज कर गई थी बिना कोई विकेट खोए यॉर्कशायर की टीम, ठीक है। यहां से आइए क्या हुआ था फिर से, 5 जून 2022 पे अब हम लोग चलते हैं। वर्कशायर की टीम ने 98 रन 5 विकेट के नुकसान पे बनाया था, नॉटिंगहमशायर ने ये 1 रन से मुकाबला यहाँ पे जीत लिया था, 97 रन बना पाई थी और 1 रनों से ये वर्कशायर ने गाइस मुकाबला मात्र जीता था। इसमें क्या हुआ था गाइस, मैच नंबर 5 यहाँ से देखिए, 2 जून 2022 को। यहाँ से गाइस अच्छे से आप लोग समझिएगा, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन कर सकूँ, थोड़ा सा आप लोगों का भी मुझे सपोर्ट चाहिए, अटेंशन चाहिए, ठीक है। लेचेंटरशायर का मुकाबला हुआ था गाइस, एक तो ऐसा नाम है यार, थोड़ा सा टंग ट्विस्टर जैसा नाम है। देखिए क्या हुआ था, 152 रन 9 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे लेंसिस्टरशायर ने बनाया था, वॉर्कशायर 147 रन 9 विकेट के नुकसान पे बनाई थी, चेज नहीं कर पाई थी, 5 रनों से ये मुकाबला गवा दी थी यहाँ पे।
एक और मुकाबला देखिए, 29 मई 2022 को डरगम और वॉर्कशायर के बीच में हुआ था, जिसमें डरगम की टीम 158 रन 9 विकेट के नुकसान पे बनाई थी और वॉर्कशायर ने 162 रन 5 विकेट के नुकसान पे यहाँ पे बनाया था और 5 विकेट से ये मुकाबला जीत गई थी। तो गाइस हर बॉल में आप लोगों को यहाँ से अगर बताऊँ तो जैसे कि 10 में से 8 बार गाइस यहाँ पे फर्स्ट बैटिंग करने वाली ही टीम जीत रही है। चेजिंग करने वाली मात्र 20% आप चांस मान सकते हो कि कोई टीम अगर चेजिंग कर रही है तो वो जीत सकती है। जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है वहाँ पे इसके जीतने का ज़्यादा आप लोग मान सकते हो। यहाँ पे देखिए, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पे से, सबसे पहले इंग्लैंड के प्लेयर की टेक्निक देख लीजिए। जेसन रॉय राइट हैंड बैटिंग करते हैं, जॉस बटलर राइट हैंड बैटिंग करते हैं। यहाँ से मैं आप लोगों को सिर्फ ये बताना चाह रहा हूँ कि जैसे कि होता है कि काफ़ी बार जब लेफ्ट हैंडर खेलते हैं तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलर बॉलिंग करता है, और जब राइट हैंडर खेलते हैं तो लेफ्ट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करता है। तो देखिए हो क्या सकता है, यहाँ से देखिए राइट हैंडर लियम लिविंगस्टन। तो अपने इंडियन टीम के तरफ से अगर हम लोग यहां पे आए तो यहां से, हाँ गाइस यहाँ से देख सकते हो आप लोग, अक्षर पटेल अपने लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स बॉलिंग करते हैं। अगर इस मैच में ये खेलते हैं तो परेशान कर सकते हैं सामने वाले बैट्समैन को। प्लस यहाँ पे अपने अगर ईशान किशन की हम लोग बात करें तो यहाँ से देख सकते हो लेफ्ट हैंड बैटिंग करते हैं। मतलब इंग्लैंड की तरफ से अगर हम लोग देखें यहाँ पर, तो ये गाइस बहुत सारी टीम के कैप्टन इस लॉजिक पे बहुत सारा मतलब फोकस करते हैं कि अगर लेफ्ट हैंडर खेल रहा है तो राइट आर्म ऑफ ब्रेक से बॉलिंग करवाओ। तो यहाँ पे मोइन अली प्लस यहाँ पे लियम लिविंगस्टन का क्या है गाइस, लेग ब्रेक राइट आर्म ऑफ ब्रेक सब फेंक लेते हैं। तो यहाँ से ये बताने का सेंस सिर्फ ये कि आप प्लेयर्स का यहाँ से रोल देख लीजिए कौन किस तरह की बॉलिंग बैटिंग करता है। प्लस अब बात करते हैं हम लोग यहाँ पे इंग्लैंड की पॉसिबल प्लेइंग 11 इस मैच के लिए क्या हो सकता है। जेसन रॉय के साथ जॉस बटलर ओपन करने आए थे, महज 4 रनों का स्कोर जेसन रॉय ने किया था और खाता तक नहीं खुल पाया था जॉस बटलर का, जो कि इस बार आईपीएल में ऑरेंज कैप जीत कर आ रहे हैं। बट हर बार ऐसा नहीं होने वाला है गाइस, बहुत ही शानदार फॉर्म में है, जिनके फॉर्म को देखते हुए टीम इंग्लैंड की टीम ने इनको कप्तान अपना बनाया है। डेविड मलान की बात करते हैं, 21 रनों का स्कोर इन्होंने किया था, और आपको बता दूं जब ये अपने होम ग्राउंड में खेलते हैं, अपने मतलब ये कंट्री के कंडीशन में खेलते हैं, तो बहुत ही घातक बैट्समैन ये साबित हो सकते हैं। आईसीसी रैंकिंग कभी एक नंबर भी इनकी T20I में रह चुकी है, बहुत कम मैचों में इन्होंने ये उपलब्धि हासिल की थी। लियम लिविंगस्टोन का भी खाता नहीं खुल पाया था और बॉलिंग मात्र एक ओवर की शायद की थी, और जिनमें ये विकेट लेस चले गए थे। तो यहाँ से अगर मैं टॉप 4 की बात करूँ तो गाइस अगर लियम थोड़ा सा डेविड मलान को छोड़ दिया जाए तो ना ही जॉस जेसन रॉय, ना ही जॉस बटलर और ना ही लियम लिविंगस्टोन यहाँ पर बिल्कुल भी फ्लॉप चले गए थे। हैरी ब्रुक्स 28 रनों का स्कोर इन्होंने किया था, और डोमेस्टिकली गाइस बता दूं लगभग 50 के एवरेज से ये रन करते हैं। ठीक है, इंटरनेशनल क्रिकेट में हो सकता है बैटिंग डाउन की वजह से या तो प्रेशर की वजह से अच्छा नहीं खेल पाते हैं, लेकिन जब ये डोमेस्टिकली खेलते हैं तो बहुत ही अच्छा इनका परफॉर्मेंस आता है। मोइन अली की बात करते हैं, राइट आर्म ऑफ ब्रेक बॉलिंग करते हैं, 36 रन और 2 विकेट इन्होंने निकाला था। सैम करन की बात करते हैं, मात्र 4 रनों का स्कोर किए थे और बॉलिंग से एक भी विकेट ये नहीं निकाल पाए थे। क्रिस जॉर्डन ने 26 रन प्लस 2 विकेट इन्होंने निकाला था। टाइमल मिल्स गाइस यहाँ पे 7 रन और 1 विकेट इनको मिला था। रेस टोपली को 9 रन प्लस 1 विकेट इनको मिला था। मैथ पार्किसन जो कि लगभग 11 की इकोनॉमी से रन पिटा रहे थे, बट 1 विकेट इनको लास्ट में मिल गया था, लास्ट वे ओवर में शायद इनको विकेट मिल गया था, तो 1 विकेट इनको मिला था। इनके तरफ से गाइस इंग्लैंड की तरफ से अगर बात करते हैं तो इनके तरफ से कौन से बॉलर मोस्ट चांसेस है कि ओपन में बॉलिंग करते हैं, तो सैम करन के साथ रिस टोपली और मोइन अली फेंक सकते हैं क्योंकि सामने लेफ्ट हैंडर ईशान किशन है। लेकिन हो सकता है इस मैच में ईशान किशन को रेस्ट मिल जाए क्योंकि इस मैच में विराट कोहली कमबैक करने वाले हैं। ठीक है, बाकी डेथ में बात करते हैं तो टाइमल मिल्स के साथ रिस टोपली और क्रिस जॉर्डन डेथ में ये लोग बॉलिंग कर सकते हैं। इनके तरफ से आप लोग बॉलर्स की इन्फॉर्मेशन देख सकते हो कि कौन सा बॉलर इनके तरफ से कितने ओवर की बॉलिंग करता है। तो अगर मैं आप लोगों को बताऊं तो क्रिस जॉर्डन, रिस टोपली और मैथ्यू पार्किसन 4-4 ओवर के बॉलिंग किए थे, बाकी मोइन अली, सैम करन और टाइमल मिल्स और लियम लिविंगस्टोन इन लोगों में बॉलिंग शेयर हुआ था। बात करते हैं अपने इंडियन टीम के प्लेयर्स के बारे में, तो आप लोग यहां से इनका बैटिंग बॉलिंग स्टाइल देख सकते हो कि कौन किस तरह से क्या करता है। बाकी बात करते हैं अपने इंडियन टीम की लास्ट मैच की परफॉर्मेंस की, तो रोहित शर्मा ने 24 रनों का स्कोर किया था, 8 रनों का स्कोर मात्र यहाँ पे ईशान किशन कर पाए थे। ईशान किशन के प्लेस पे हो सकता है गाइस इस मैच में विराट कोहली खेल सकते हैं क्योंकि ईशान किशन का लगभग पिछले 3-4 मैचों से परफॉर्मेंस आया नहीं। आयरलैंड की टीम के खिलाफ भी खेल रहे थे तो हर मैच में मारने की कोशिश कर रहे थे, जिस वजह से इनका मतलब परफॉर्मेंस आ नहीं पा रहा था। बाकी इससे पहले अगर साउथ अफ्रीका वाले मैच में बात करें तो बहुत ही अच्छा ये परफॉर्मेंस दे रहे थे, तो हो सकता है इस मैच में ईशान किशन को रेस्ट दिया जाए और विराट कोहली रोहित शर्मा के साथ ओपन करते हुए दिख सकते हैं, या तो चांसेस ये भी है कि यहाँ से अक्षर पटेल को भी रेस्ट दे सकता है टीम। तो अब देखना होगा टीम मैनेजमेंट क्या करती है, तो ये सब तो टॉस के बाद मालूम चल पाएगा, तो इसीलिए से बोल रहा हूँ टेलीग्राम पर जुड़ जाना। दीपक हुडा की बात करते हैं गाइस, बहुत ही अच्छी फॉर्म में और बहुत ही अच्छा खेल रहे थे, 33 रनों का स्कोर इन्होंने किया। उसके बाद सूर्य कुमार यादव ने भी यहाँ पे मतलब इन दोनों के बीच में एक पार्टनरशिप हुई थी लगभग
45-50 रनों की और अच्छी पार्टनरशिप थी और दोनों अच्छे से खेल रहे थे, लगभग 200 की स्ट्राइक रेट से दोनों स्कोर कर रहे थे। हार्दिक पांडे की बात करते हैं, लगभग मैच जिताने में 90% इन्हीं का रोल है, 4 विकेट यहाँ पे और मेन विकेट निकाले हैं इंग्लैंड के प्रमुख बैट्समैन की, 4 विकेट निकाले हैं प्लस 51 रन का यहाँ पे बैटिंग से भी योगदान दिया है। अक्षर पटेल को हो सकता है इस मैच में रेस्ट दिया जाए, इनके प्लेस पे भी या तो यहाँ पे विराट कोहली ऐड हो सकते हैं। बाकी यहाँ पे अक्षर पटेल ने 17 रनों का स्कोर किया था। मेरे ख्याल से गाइस अक्षर पटेल से पहले दिनेश कार्तिक को भेजना चाहिए था, जिस तरह के फॉर्म में है दिनेश कार्तिक, अक्षर पटेल को थोड़ा नीचे भी भेज देते तो चल जाता, लेकिन दिनेश कार्तिक को नीचे भेजने का मतलब कि आप लोग इनके साथ नाइंसाफी कर रहे हो। 11 रनों का स्कोर मात्र दिनेश कार्तिक कर पाए थे, क्योंकि जब ये बैटिंग करने आए थे तो ज़्यादा बॉलें बची ही नहीं थी खेलने के लिए, तो इस वजह से ये इन्होंने मतलब कुछ अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे पाए। बट अगर इनको ऊपर भेजा जाता तो हो सकता है ये अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते थे। हर्षल पटेल की बात करते हैं, 3 रन प्लस 1 विकेट इन्होंने निकाला था। भुवनेश्वर कुमार को 1 विकेट, अर्षदीप सिंह जो कि डेब्यू किए थे लेफ्ट आर्म फास्ट मीडियम बॉलिंग करते हैं, 2 विकेट इनको मिला था। चहल को भी 2 विकेट मिला था। इंडियन टीम की तरफ से अगर मैं आप लोगों को बताऊँ तो ओपन में भुवनेश्वर के साथ अर्षदीप सिंह के मोस्ट चांसेस हैं। देश में भुवनेश्वर, अर्षदीप सिंह और हार्दिक पांड्या ये लोग फेंक सकते हैं। बॉलिंग इन्फॉर्मेशन अपनी भारतीय टीम का देखते हैं तो देखिए हार्दिक पांड्या और यूजी चहल ने 4-4 ओवर की बॉलिंग किए थे और अर्षदीप सिंह भी लगभग अपना 4th ओवर फेंक रहे थे, जिसमें से 3.3 ओवर का बॉलिंग इन्होंने किया था। अक्षर पटेल ने 2 ओवर, हर्षल पटेल और भुवनेश्वर कुमार को भी 3-3 ओवर मिला था। हाँ, इंडियन टीम की तरफ से मैं आप लोगों को बता दूं, देखिए विराट कोहली ऐड हुए हैं, जिन्होंने देखिए अगर इनका रिकॉर्ड मैं आप लोगों को बताऊं तो आईपीएल में आप लोगों को मालूम बिल्कुल भी फॉर्म में नहीं थे, बट इतने जबरदस्त प्लेयर खिलाड़ी हैं गाइस, मतलब इन पे रिस्क लेना मतलब बहुत बुरा अंजाम हो सकता है। 97 मैच, 3,296 रन, 51 का एवरेज है। एकमात्र इंटरनेशनल प्लेयर में करंट मतलब ऐसा कोई प्लेयर है जिसका तीनों फॉर्मेट में लगभग 50 का एवरेज है, वो विराट कोहली है गाइस, ठीक है। जसप्रीत बुमराह 57 मैच में 67 विकेट और रविंद्र जाडेजा यहाँ से स्क्वाड में ऐड हुए हैं, 58 मैच, 326 रन, 21 का इनका एवरेज है। बॉलिंग से 58 इनिंग में 48 विकेट इनके नाम है। ऋषभ पंत की बात करते हैं, 48 मैच में 741 रन और 23 का इनका एवरेज है। अभी जो टेस्ट मुकाबला खेला गया था आप लोगों को याद होगा इंग्लैंड से, तो लगभग 160-170 की स्ट्राइक रेट से स्कोर बना रहे थे टेस्ट मुकाबले में गाइस, ठीक है। शायद 72 की 73 गेंद में यहाँ पे 145-144 रन बनाए थे। उसके बाद बात करते हैं श्रेयस अय्यर की, 41 मैच में 904 रन, 34 का इनका एवरेज है गाइस, ठीक है। तो यहाँ से मैंने देखिए आप लोगों को बता दिया 6 प्लेयर जो कि न्यू ऐड हुए हैं, बाकी जितने प्लेयर हैं मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया आप लोगों के इनके बारे में, तो आप लोग चाहो तो पिछली वीडियो देख लेना या तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट खींच लेना, नहीं तो अगर मैं बताने लगा तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, 10-15 मिनट यहाँ वेस्ट हो सकता है, ठीक है। बाकी इंग्लैंड के प्लेयर्स का ज़्यादा कुछ चेंजेस है नहीं, सेम स्क्वाड है, तो आप लोग इनका यहाँ से स्क्रीनशॉट खींच सकते हो। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने ड्रीम इलेवन एप्लीकेशन में और देखते हैं इस मैच के लिए हमारी क्या कॉम्बिनेशन बन के रेडी हो रही है। सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं विकेट कीपर सेक्शन से, तो विकेट कीपर सेक्शन से देखिए 4 ऑप्शन हैं जिसमें से कि 3 खेलते हुए दिख जाएंगे, तो लेकिन तीनों के अगर एक लाइन में रखते हैं और इसमें से बात करते हैं सबसे सेफ ऑप्शन की, तो वो जॉस बटलर का नाम निकल के आएगा। ऋषभ पंत, दिनेश कार्तिक मिडिल ओवर में खेलने वाले हैं तो लेने का भी कुछ मतलब बनता नहीं है, तो सबसे सेफ में आप लोग जॉस बटलर को अपनी टीम में पिक कर लेना, ठीक है। बात करते हैं बैटिंग सेक्शन से, दीपक हुडा जिस तरह के फॉर्म में इनको अपनी टीम में रखना ही है। रोहित शर्मा गाइस जब तक खेले थे अच्छे टच में दिखे थे, थोड़ा सा तेजी में खेल रहे थे इस वजह से हो सकता है विकेट गंवा दिए हों, लेकिन अगर मैंने लाइव मैच देख रहा था तो जब तक खेले थे लग रहा था कि हाँ अगर कुछ गेंदे और खेलते तो आराम से 50-60 रन का स्कोर कर सकते थे। लियाम लिविंगस्टन बैटिंग बॉलिंग हर तरह से पॉइंट दे सकते हैं, तो आप लोग इनको अपनी टीम में जरूर ट्राई कर सकते हो, ठीक है। जेसन रॉय को मैंने यहाँ पे ट्राई किया, आप लोग चाहो तो डेविड मलान को भी ले सकते हो जो कि होम कंडीशन में अपने बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते हैं, लेकिन फिलहाल के लिए मैंने जेसन रॉय को लिया। सेम क्रेडिट है, क्रेडिट का मतलब कोई सेंस नहीं है, जेसन रॉय डेविड मलान का सेम क्रेडिट है। हाँ, विराट कोहली को मैंने अपनी टीम में ट्राई किया है, स्क्वाड में है तो मतलब खेलेंगे ही खेलेंगे, बाहर बैठाने का सेंस है नहीं इतने बड़े खिलाड़ी को, तो अपने यहाँ पे मैंने विराट कोहली को लिया। हो सकता है इस मैच में ईशान किशन को रेस्ट दे दिया जाए या तो फिर अक्षर पटेल को रेस्ट दे दिया जाए। ऑलराउंडर सेक्शन से बात करते हैं, हार्दिक पांड्या सैम करन के साथ जा रहा हूँ, यहाँ से मैं लेना मोइन अली को चाहता था पर मेरे पास क्रेडिट है नहीं, अब क्रेडिट माइनस करना होगा तो फिर यहाँ पे से आप लोग हटाइए, यहाँ पे से जेसन रॉय को हटाइए तो आप लोग यहाँ पे मोइन अली को ले सकते हो, लेकिन फिलहाल मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ, मैं सैम करन के ही साथ जाऊँगा, ठीक है।
यहाँ से बात करते हैं बॉलिंग सेक्शन से, क्रिस जॉर्डन, यूजी चहल, जसप्रीत बुमराह मेरी टीम में रहने वाले हैं। या तो आप क्या करते हो, बुमराह की जगह पे हर्षल पटेल लो, फिर सैम करन की जगह पे मोइन अली ले सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए मैं जसप्रीत बुमराह के साथ ही जाने वाला हूँ। बॉलिंग सेक्शन में ही गाइस यहाँ पे पूरा मैच डिसाइड हो सकता है, क्योंकि बॉलर जो कि है ना दोनों टीम में बहुत ही खतरनाक खतरनाक बॉलर है, इनमें से कोई भी बॉलर गुच्छे में विकेट कभी भी निकाल सकता है। तो इसी से इस मैच में आप लोग ग्रैंड लीग ज़्यादा टारगेट करोगे तो बेटर होगा। जिस तरह की मैंने वीडियो में इन्फॉर्मेशन दी है आप लोगों को, दोस्तों ग्रैंड लीग ही टारगेट करना चाहिए। तो फिलहाल के लिए देखिए स्मॉल लीग की सेफ कैप्टन की बात करें तो जॉस बटलर, और देखिए भले से पिछले मैच में जॉस बटलर यहाँ पे खाता नहीं खोल पाए थे, लेकिन कैप्टन या देखिए वाइस कैप्टन तो जॉस बटलर मेरे रहने वाले। कैप्टन के तौर पर हो सकता है मैं हार्दिक पांड्या के साथ यहाँ पर जा सकता हूँ, ठीक है। और फिलहाल के लिए मेरी टीम का अगर यहाँ पे प्रीव्यू दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार का आप लोगों को देखने को मिलेगा, जहाँ कैप्टन हार्दिक पांड्या, वाइस कैप्टन जॉस बटलर हैं। इसमें गाइस कुछ भी चेंजेस होगा तो आप लोगों को कहाँ मालूम चलेगा, कुछ भी चेंजेस होता है गाइस टीम में तो आप लोगों को मेरे टेलीग्राम के चैनल पे मालूम चलेगा। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स चेक कर लेना, या तो यहाँ पे ऊपर में सर्च का आइकन आता है, सर्च कर लेना आप लोग क्रिक 2580 जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है, सेम टेलीग्राम का यही कोड है। और एक एप्लीकेशन मैं आप लोगों को बता दूंगा देखिए, जहाँ पे फ्री गिव वे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, बिल्कुल फ्री में 500 रुपये आप लोग जीत सकते हो विदाउट इन्वेस्ट। और हाँ, यहाँ पे बिल्कुल भी क्रेडिट इशू नहीं आ सकता आता है। तो आप लोग यहाँ पे जो कि मैंने आप लोगों को कुछ चेंजेस बताया है, जो यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि मोइन अली मेरे टीम में आ जाए, तो ये सब चेंजेस आप लोग इस एप्लीकेशन पे कर सकते हो। तो कौन सी एप्लीकेशन है ये सब जानने के लिए टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लेना, और टॉस के बाद कुछ भी मतलब प्लेइंग 11 और फाइनल टीम मैं आप लोगों को यहीं पे देता हूँ, तो इस वजह से बोल रहा हूँ आप लोग यहाँ पे जुड़ जाइएगा। तो होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो, तो एक लाइक ज़रूर कर देना अपने भाई को सपोर्ट करने के लिए, और चैनल से ज्वाइन हो जाना गाइस, क्योंकि टेलीग्राम चैनल पे अगर आप लोग चाहते हो आपके भाई का चैनल ग्रो हो, मतलब पहले तो 1 लाख सब्सक्राइबर थे बट बीच में स्ट्राइक की वजह से हट गया, तो कोई नहीं, आप लोग अगर फिर से चाहते हो अपने भाई का चैनल ग्रो करवाना तो आप लोग यहाँ पे ज्वाइन हो जाना। बाकी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।